एक एक गोली सुबह शाम खा लो, भयानक से भयानक ठंड में भी आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल मजबूत रहेगी, ना तो लगेगी सर्दी ना होगा जुकाम। और गले फेफड़ों में फंसे हुए कितने भी कफ हैं, जकड़े हुए कफ हैं, सूखी खांसी है या गीली खांसी, इस गोली को खाने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। साथ साथ ठंडक में आपके शरीर को गर्म रखेगा और ठंड से होने वाली सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव सी ये गोली है और खाने में भी बहुत मज़ेदार। साथ साथ आप इसे खाएंगे तो जैसे मौसम चेंज होने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा। साथ साथ सांस की जितनी भी बीमारियां होती हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और अस्थमा की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, चाहे सूखी खांसी हो या बरगम वाली खांसी है, सांस फूलता है, अस्थमेटिक हैं, तो आप इसको अपनी दवा के साथ साथ एक बार करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया इलाज मिलेगा। ये इलाज इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि ये वायरल इन्फेक्शन से भी आपको बचा के रखता है और सांस की सारी बीमारियों को दूर करता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये गोली कैसे बनी और किन चीज़ों से बनी कि इतनी इफ़ेक्टिव है। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, इस विंटर में पूरे विंटर ट्राई करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो चीज़ है इसे कहते हैं बड़ी पीपली, लॉन्ग पीपली होती है। ये पीपली दो तरह की होती है, एक साइड में थोड़ी छोटी होती है, एक इस तरह से बड़ी होती है। तो ये बड़ी पीपली आप इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। बड़ी पीपली बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसका तासीर गर्म होता है, इसलिए ठंड के सीजन में आप इसे आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसा क्या और ऐड करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मात्रा लिए हैं इसकी 10 से 15, ये हमारी जो लॉन्ग पीपली है इसको लिए हैं। तो 10 से 15 मात्रा में आप इसे लीजिएगा। इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि श्वसन से संबंधित आपको बीमारियों के लिए ये एक रामबाण औषधि है। इसके साथ आपको दो इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग पीपली है ना, इसको आप इस तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है, और ये जब भून जाए तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। तो आप इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में है, ये लॉन्ग पीपली बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करेंगे। तो इस तरह से 10 से 15 पीपली लेंगे, आप इसका इस तरह से फाइन सा पाउडर बना लीजिए। ये देखिए पाउडर बन गया है। तो अगर आप इसे मेज़र करेंगे 25 ग्राम के मात्रा में ये लॉन्ग पीपली है। और इसी तरह से दूसरी जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर, यानी इसे हम काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये रेमेडी की तरह काम करती है। तो ये देखिए हमारा ये पाउडर लॉन्ग पीपली का बन के तैयार हो गया है। तब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके अलावा हम आपको भी दूसरा चीज़ बताते हैं उसे कैसे यूज़ करना है। तो बस इसी लॉन्ग पीपली को हमें भूनना था, और दूसरी चीज़ जो है वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, उसको आपको भूनना नहीं है। आप इसी तरह से देखिए खड़ी लॉन्ग है, तो ये थोड़ी सी मात्रा में अधिक है। अगर आप 25 ग्राम ले रहे हैं लॉन्ग पीपली तो 50 ग्राम आप लेंगे ब्लैक पेपर। तो इस तरह से इसको ले लेंगे, और इसको आपको पीस के पाउडर बना लेना है। इसके अलावा आपको लेना है सोठ, सोठ भी आप 50 ग्राम के करीब लेंगे, यानी सोठ और ये काली मिर्च आप बराबर मात्रा में लीजिए। इस तरह से सोठ का जो पाउडर आता है आप उसे भी इस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरह खड़ा हुआ सोठ है तो इसको सुखा के अच्छे से कूट के उसके बाद इसे घर में इसका पाउडर बना के तैयार करिए। तो इस तरह से तीनों चीज़ों का पाउडर हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये चलिए इन तीनों चीज़ों से जब ये दवा बनेगी ना, तो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फेफड़े में आपकर आपके छाती में बहुत ज़्यादा कफ जकड़ा हुआ है, आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा आपकी सांस फूलती है, खांसी जुकाम जैसी बीमारियाँ बार बार पकड़ लेती है, ये आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इन तीनों चीज़ों को देखिए पाउडर को तैयार कर लिए। अब हमें इसी गोली कैसे बनानी है। गोली बनाने के लिए बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है जो आपके सांस की बीमारी के लिए भी फ़ायदेमंद है, साथ साथ आपके इस विंटर सीजन में आपके लिए दवा की तरह काम करता है, वो है जैगरी। जैगरी यानी गुड़। गुड़ के साथ हम इसका लड्डू बनाएंगे एक छोटे छोटे अमाउंट में। देखिए जिस तरह से हम गोलियां बनाते हैं दवा के लिए, तो उसी तरह से आप देखेंगे इस गोली को बनके बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये जो तीनों पाउडर है इसको समान क्वांटिटी में जब आप इसे पीस लीजिए, तो आप इस तरह से स्पून से मेजर करके आप डाल लीजिए।
तो ये देखिए दो दो चम्मच के करीब हम एक बार में बना रहे हैं। तो ये पाउडर बना के अपने पास रखिए और एक बार में जितनी गोली आप बना रहे हैं आराम से इसे बना सकते हैं। तो इकट्ठे भी आप बना सकते हैं, तीनों चीज़ की मात्रा जैसे बताई गई है तीनों को ले लीजिए और इस तरह से बनाइए। अब ये तीनों देखिए मिक्स कर दे रहे हैं, तो हमें हाथ पे थोड़ा सा बना रहे हैं तो इसलिए दो दो चम्मच के करीब ये तीनों समान मात्रा में ले लिए हैं पाउडर को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। जो गुड़ है उसे आप कद्दूकस कर लीजिए या फिर आप उसे छोटा छोटा सा बिल्कुल सा ऐसा बना दीजिए कि उससे आसानी से गोली बनने लगे। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ इकट्ठा हो गया। आप इस पाउडर को ऐसे भी खा सकते हैं बिना गुड़ का। तो आप इस तरह से आधा चम्मच आप इसे सुबह के टाइम और आधा चम्मच रात के टाइम पे लीजिए। अगर आप अस्थमेटिक है, आपको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, ये पूरी तरह से बीमारी को दूर कर देता है। अस्थमा के लिए रामबाण औषधि है। तो इस तरह से आपको आधा चम्मच पाउडर लेना है अगर आप गुड़ के साथ गोली बना के नहीं ले रहे हैं। और गोली जो है उसे आप बना के रखिए, वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसी बीमारियों से अगर पूरे ठंडा बच के रहना चाहते हैं तो आप इस गोली को बना के अपने पास स्टोर करके रख लीजिए और सुबह शाम एक एक गोली आप खाया करिए। सुबह में एक गोली खाइए फिर रात में एक गोली खाइए। इससे आपके जो है शरीर में हमेशा आपका तापमान टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, आपको ठंड नहीं लगेगी और सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारी नहीं होगी। तो आप देखिए किस तरह से हम नाइफ से इसी तरह फाइन फाइन सा कर रहे हैं। आप इस तरह से जल्दी से कर भी सकते हैं या फिर कद्दूकस लेके उसे इस तरह से पतला पतला से जब आप कद्दूकस कर देंगे तो भी ये बहुत ही फाइन सा हो जाता है, जिससे बहुत आसानी से लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए नाइफ से भी बहुत ईजली कट जा रहा है। जितना पुराना गुड़ मिले उस गुड़ को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, पुराना गुड़ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कोशिश करिए कि आपको पुराना गुड़ मिल जाए, नहीं मिलता है तो जो भी गुड़ आपको मिले आप उसी के साथ बनाइए। गुड़ बहुत इफेक्टिव होता है, हेल्दी होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप उसमें गुड़ बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। जो पाउडर आपका तीनों बन के तैयार हुआ है उसी पाउडर को आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम एक बार और भी मैश करते रहें जिससे एकदम फाइन सा हो जाए। अब बस ये हमारा देखिए मैश हो गया है। तो ये जो दोनों पाउडर हमने देखिए तीनों पाउडर का हमने दो दो चम्मच एक इकट्ठा करके सेपरेट करके रखा है, उसी पाउडर को हम इस गुड़ के अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए इस पाउडर को जब ऐड करेंगे उसके साथ इसे बाइंड करेंगे छोटी छोटी गोलियों के रूप में। तो एक समान मात्रा में गोली बनाइए जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि एक गोली सुबह एक गोली शाम को खानी है। तो इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ एक साइज़ की हम देखिए बनाने जा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले गुड़ के साथ मिक्स कर देंगे तो इसकी जैसे कंसिस्टेंसी हो जाए ऐसी कि ये बहुत आसानी से गोली बन जाए। और इसमें आप थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो ये हल्दी पाउडर जो है ये भी हमारे सांस से संबंधित बीमारियों को दूर करता है, साथ साथ सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियों को दूर करता है। हल्दी बहुत इफेक्टिव होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी पायरेटिक गुण होने की वजह से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और बैक्टीरिया को भी पनपने नहीं देता, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो देखिए इसको आसानी से हम इसको इस तरह से मैश कर रहे हैं कि एक बाइंडिंग होने वाली कंसिस्टेंसी भी आ जाए। तो इसको दबा दबा के आप देखेंगे कि हाथों से गोली आसानी से बन रही है। उतना गुड़ आप ऐड करिए, अगर ये ड्राई लगे तो थोड़ा सा गुड़ इसमें और ऐड कर दीजिए जिससे आसानी से गोली बन के तैयार हो जाए। तो देखिए इसको हम इस तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। तो इसमें जो हमने पाउडर डाला है ये गुड़ प्रॉपरली एक साथ जब मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि गोली इसकी बन रही है नहीं बन रही है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग गुड़ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जितना क्वांटिटी बताए हैं इतने में ही गोली बहुत आराम से बन जाती है। देखिए इस तरह से जब बाइंड करेंगे तो देखिए आपको लगेगा कि पूरी आसानी से बाइंड हो रहा है। देखिए कैसे बंध रहा है जैसे लड्डू के जैसे। बस इसको छोटे छोटे से इस तरह से अमाउंट में लेके आप नींबू से भी छोटी साइज़ की बनाएंगे गोली एक बार के लिए सुबह के टाइम में। इसे दो बार आपको खाना है। तो इस तरह से देखिए इतनी बड़ी साइज़ में बनके तैयार हो गई। बस ऐसे सारी गोलियां हम बना के तैयार कर लेंगे। और इस गोली को जैसे हमने बताया है आप एक गोली सुबह के टाइम पे लीजिए जब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके आधे घंटे के बाद एक गोली ले लीजिए और फिर रात में सोने से पहले एक गोली ले लीजिए। ऐसा पूरे विंटर आप करके देखिए, आपको सर्दी जुकाम ऐसे बुखार ये सारी जो बीमारियाँ ठंड में हो जाती हैं ना बिल्कुल नहीं होंगी। और फेफड़े में कितना भी कफ चकड़ा है ये सारे कफ को बाहर निकाल देगा। साथ साथ अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो इसे ज़रूर लिया करिए, आपके सांस से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये देखिए सारी गोलियां बनके तैयार हो गई। तो देखिए जैसे हमने बनाया था
दो दो चम्मच के करीब, तो इतनी गोली बनके तैयार हुई है। आप इस तरह से जैसे मैं बताया है 25 ग्राम के करीब आप ले लीजिएगा लौंग पीपली और 50-50 ग्राम सौंठ और मिर्च, उनको लेके एक साथ पीस के आप इस तरह से इकट्ठा भी गोली बना सकते हैं। या फिर इसको और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उनकी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग आप डबल कर दीजिए। अब ये बन गया, बस आपको इसको गुनगुने पानी के साथ सुबह एक गोली लेंगे तो उसके पीछे हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए, और नहीं भी पीते हैं तो भी बहुत आसानी से आप इसे खा सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, आप खाएंगे एक बार तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और इसको खाने के बाद एक गिलास पानी गुनगुना पीजिए, आप देखेंगे इसको करके देखेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सांस से संबंधित जो बीमारी है ना, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, पूरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इसे यूज़ करिए और अपने फ़ायदे अगर आपको मिलते हैं तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।